एक चीज़ बताओ इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाए आजकल कंपनीज़ के लैपटॉप मिलते हैं करेक्ट तो आपने देखा होगा अगर आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हो तो आपको मेल आ जाता है करेक्ट तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये इस ये फाइल ट्रांसफर हुई है इस लैपटॉप से करेक्ट और अगर ए, एक और क्वेश्चन है अगर वो ब्राउजर इन इन कॉग्निटो तो मोड में ओपन करते हैं एंड कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं सपोज़ कोई भी वेबसाइट उन्होंने ओपन की तो कंपनी को तो फिर पता ही नहीं चलेगा जैसा आपने बताया था कि भाई सर्विस uh, प्रोवाइडर को पता चल जाएगा जियो है एयरटेल है उनको पता चल जाएगा कंपनी को पता नहीं चलेगा फिर तो कंपनी का वो लैपटॉप काम ही नहीं आया भाई मोड में ओपन कर लिया उन्होंने कुछ भी सर्च मारा और काम चल रहा लोगों का हाँ तो पहले ऐसा होता था गौरव बट अब आजकल क्या है जैसे मैंने बोला साइबर सिक्योरिटी बहुत मेच्योर हो चुका है और इसको अपन बोलते हैं डेटा एक्सफिल्ट्रेशन ये एक डोमेन होता है साइबर सिक्योरिटी का ही विच इज कॉल्ड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन जहां पे अपन बेसिकली डेटा की चोरी को बचाते हैं एंटरप्राइज में से तो जैसे एंटरप्राइज में आप काम कर रहे हैं जैसे आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं कल को आप दूसरी कंपनी में चले गए और लेट से वो एक दूसरे की कॉम्पिटिशन है तो एक्सपेक्ट का कि आप कोई या कोई उस के लैपटॉप से लेके ना चले जाओ दूसरी में, right? तो उसको करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में आजकल अलग, -अलग और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी और इसको अपन बोलते हैं डीएलपी डेटा लॉस प्रिवेंशन देर आर एंड पॉइंट ऑफ मॉनिटरिंग सोल्यूशन अवेलेबल ये सब इंश्योर करते हैं कि कोई भी तरह का फाइल ट्रांसफर अगर होता है तो वो फ्लैग होगा ठीक है तो जरूरी नहीं है इमेडिएटली वो ब्लॉक हो जाए बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइल वो फाइल की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग वो फाइल कितनी सेंसिटिव होगी उसमें टैग्स होते हैं फाइल में आजकल कि कितनी सेंसिटिव फाइल है किसको इसका एक्सेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उस सेंसिटिविटी ऑफ फाइल के अकॉर्डिंग वो फ्लैग करेंगे और वो आपके

ब्राउजर लेवल लेवल पे आप पे एंड पॉइंट तो बच गए बट जब नेटवर्क में जा रहा है जैसे ही नेटवर्क में गया आईएसपी एस पी जो की अपनी कंपनी ने आपको जियो या एयरटेल का कोई आई दे रखा है एंड वो उनके कनेक्ट में है राइट वो तो उसको मॉनिटर करते हैं जो आपकी नेटवर्किंग टीम है कंपनी की या सिक्योरिटी टीम है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम है वो कंटिन्यूअसली आपके नेटवर्क को मॉनिटर करती है कि किस तरह के पैकेट नेटवर्क पैकेट आपके कंपनी में आ रहे हैं और जा रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं उसकी सेंसिटिविटी को उसके टाइप ऑफ एक्टिविटी को एंड अगर कुछ भी उनको सस्पिशियस लगता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाता है और अब जब से ए आया है तो ये प्रोसेस और फास्टर हो चुका है और बहुत एफिशिएंट हो गया पहले तो जैसे फॉल्स पॉजिटिव बहुत होते थे किसी को जेन्यून फाइल ट्रांसफर करनी होती थी और ये जो सोल्यूशन होते सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वाले वो फ्लैग कर देते थे, थे और पता चलता था कि एक्चुअली ये रिक्वायर्ड नहीं है मतलब इट वॉज अ लेजिटिमेट फाइल ट्रांसफर बट जब से ए आया है ये जो चीज़ें हैं डिटेक्शन की ये बहुत ईजी हो चुकी है ई आई के लिए एंड इट इज़ डूइंग अ वेरी फैंटेस्टिक जॉब इन आइडेंटिफाइंग एनी सच डेटा एक्सफिल्ट्रेशन अटैक तो कोई भी अगर आप ऐसा सोचता है कि मैं अपनी फाइल ले जाऊंगा या ये करता है तो कंपनी उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकती है विद इन फ्यू सेकेंड्स इसकी डिमांड तो हमेशा रहती होगी साइबर सिक्योरिटी की क्योंकि इंडिया में कित... इंडिया के वर्ल्ड में कितनी कंपनीज हैं और हर कंपनी साइबर सिक्योरिटी में जाती होगी तो मतलब मुझे लगता है हर कंपनी मतलब जो भी कोई ऐदर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर्विस बेस्ड कंपनी हो साइबर सिक्योरिटी को तो हैंडल करती ही होगी राइट उसके लिए बंदे हायर तो करती ही होगी डेफिनेटली इसीलिए ही साइबर सिक्योरिटी बहुत प्रॉमिसिंग डोमेन है क्योंकि कोई भी कोई भी इंडस्ट्री हो हेल्थ केयर हो मैन्युफैक्चरिंग हाँ. हो फिनटेक हो हर जगह साइबर सिक्योरिटी बिकम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको चीजें सिक्योर करनी ही पड़ेगी मतलब इट इज नॉट बिकमिंग अ चॉइस इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू नाउ कि आपको कुछ ना कुछ सिक्योर करना ही है अपनी डिजिटल जो भी आपकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ओके okay.